मैं अपने कपड़े यार नहाने के बाद वहीं पे भूल गया, पीछे ही पड़े हूँ। आ गया पानी, दो बोरी, एक बोरी तीन, कल तक मैंने एक भी चीज नोटिस नहीं करी थी इस पेड़ पे। पत्थर ही है कुछ और है, कमाल है यार, मेरे को लगा भी नहीं था। देखो यहाँ पे हल्की हल्की बारिश स्टार्ट होने लग गई है, वहां से पता है मेरे को कार की आवाज सुनाई दे रही है। एक बार को मेरे को लगा वहाँ बारिश हो रही है, वैसे तो बारिश स्टार्ट हो चुकी है, वहाँ पे धूप है लेकिन अभी भी यहाँ पे काले बादल कुछ ज्यादा है ऊपर की साइड। बैग भीग जाएगा, डंडी भी ले चलो, यहाँ रख देते हैं इसको। वैसे तो मैं प्लान कर रहा हूँ मैं नहा लूं, और नहाने के लिए मैं जाऊंगा वहां पे। फेस टॉवल, टॉवल, कपड़े यार ये नहीं पहनूंगा भाई, इन्हें पहनना नहीं है मुझे, इनसे छुटकारा चाहिए, कि मैंने रिपीट कर करके सही में दिमाग घूम चुका मेरा। फिलहाल तो मैं निकलने वाला हूँ कुछ और पहनने के लिए, लेकिन पहले मैं यहाँ से एक चीज निकालूं, और वो है मेरा शैम्पू। मुझे हल्की हल्की पता क्या प्रॉब्लम लग रही है, मेरा जो फोन है वो शायद थोड़ा हल्का हल्का ना उसका वीडियो हैंग सा हो रहा है, और शेक तो कुछ होने लगा थोड़ा बहुत वैसे, लेकिन क्या छोड़ो यार निकलते हैं। मैंने जो कल वाला व्लॉग डाला था ना उसमें कुछ ज्यादा ही शेक हो रहा था, इतनी आवाज करता है। मुझे कपड़े भी धुलवाने हैं यार अपने, चप्पल पहनो चलो नीचे। दादा नहाना है मेरे को, वहां पे नहा लूं ऊपर? ऊपर चलते हैं, बाल्टी तो चाहिए थी मेरे को एक, लेकिन वो भरी हुई है। अच्छा ये स्टील वाली ले जाता हूँ। ओए सांड, देख के लग नहीं रहा होगा ये सांड बनेगा। दो टाइप के होते हैं, एक तो जिनके तगड़े मसल होते हैं, और एक ये सांड होते हैं। दादा वो वाले सांड कैसे होते हैं जिनकी अच्छी खासी बॉडी होती है, शहर वाले? ये वाले देखो कैसे हैं, पहाड़ी सांड है ना, हाँ उनकी क्या बॉडी होती है भाई साहब। ये हर जगह की अलग गाय अलग भैंस, नहीं भैंस तो सेम ही रहती है, भैंस तो सेम ही है, गाय और सांड अलग है बस। वैसे गाय भी सेम ही है, बस साइज का फर्क आ जाता है, लेकिन सांड तो बिल्कुल ही अलग है। सिंह इतना बड़े दूध इतना कम, आल भी लगाते हैं। अच्छा आल जो होते हैं, ये इधर बैल होगा, ये इधर कोई होगा। पहले तो मुझे पाइप निकालना पड़ेगा। नहीं यार मैं पाइप लगा के रखता हूँ, लेकिन अगर पानी स्टार्ट करो ना गोल 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 घूम के यहाँ से यहाँ निकलेगा। नहीं एडवांटेज वैसे पाइप लगा के नहाने में ही है। बाल्टी उठाओ यहाँ पे रखो, पाइप डालो अंदर, आ गया पानी है ना। अरे वाह क्या स्पीड है, ओह नीचे गिर गया। अरे रुक के कैसे आ रहे हैं? दिक्कत सिर्फ टॉवल रखने में आती है, मेरे को यहीं पे रखना पड़ेगा। साफ है यहाँ शैम्पू साबुन रह रहा है यार, बंद कर देता हूँ पहले। साबुन लेके आया, इतनी घास हो चुकी है सही में यहाँ पे, अब ये क्या है? चलो भाई नीचे, यहाँ पे नहीं अंदर ही होगा, यहाँ पे तो होएगा ही नहीं, यहाँ पे होगा मेरा साबुन। गलत जगह आ गया मैं, नीचे है वो। अब ये कौन सा कीड़ा है भाई, नई नई चीजें देखने को मिल रही है। अरे यार मेरा साबुन पता नहीं कहाँ चला गया था, मेरा साबुन पता नहीं कहाँ है, मैंने एक पन्नी में रखा था फेस वॉश भी, साबुन ब्रश दो चीजें तो निकाल दी थी, तीसरा पता नहीं कहाँ चला गया। फिर से चेक करना पड़ेगा एक बार मेरे को, वहां पे है ये स्पीड ब्रेकर की तरह सामने आ रहा है, यही कहीं होना चाहिए यार, शायद मेरा बैग इसके अंदर होना चाहिए। नहीं है यार मे भी शायद यहाँ पे बैग के अंदर भी नहीं है, अभी नहीं मिला, पता नहीं कहाँ है। करेला देख लिया वहां पे अभी, पता नहीं कहाँ पे है। हाँ ये करेले यहाँ रखे दादा, करेले देखो बना लेंगे सर। कोई नहीं इसी से नहा लेता हूँ मैं, वो बारिश हो रही है, पहले तो ऊपर चलो यार भीग रहा हूँ मैं, बहुत तेज हो रही है बारिश, मेरा टॉवल भीग जाएगा उधर। पहले टॉवल लेके आओ जल्दी से, अरे यार इसके ऊपर गिर गया था मैं अभी। अरे चलो, अरे यार मैं थंबनेल लगा लेता हूँ, व्लॉग डला है ना मेरा अभी अभी अपलोड हुआ है, थंबनेल नहीं लगाया उस पे मैंने। A few moments later. हाँ रुक गई यार।
धूप भी आ गई अब तो। सामने ऐसी कंडीशन हो रखी है ना, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। ये वाला पहाड़ तो दिखाई भी दे रहा है, वो भी पूरा ब्लैक, और सामने तो बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पे ना 10 मिनट पहले बहुत तेज बारिश हुई थी, ऐसा लग रहा था कोई बाल्टी से पानी डाल रहा हो। और इस साइड देखो इतनी तेज धूप है ना यहाँ पे, यहाँ पे बहुत तेज धूप और वहाँ पे बारिश की कंडीशन। ये देखो हल्की हल्की बारिश हो रही है यहाँ पे। What's up everybody, welcome to another vlog। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि मैं छत पर जाके शूट करूँ, लेकिन यहाँ पे ना हल्की हल्की बारिश हो रही है, इसीलिए मैं भीग जाऊंगा छत पर जाके। तो मैं निकल रहा हूँ सीधा रूम के अंदर। यहाँ पे अखरोट थे, वो कहाँ गए? खा लिए? अच्छा मैंने एक तो देखा था यार रखा हुआ। सही में पता, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, और उस अखरोट के पेड़ में जो अखरोट लगे हुए थे ना, मैं सोच रहा था वो अचानक से कहीं गायब हो गए। तो पता उसको सीन हुआ क्या, कुछ अखरोट तो जो नीचे झड़ गए और कुछ अखरोट तो जो हमने खा लिए। वैसे ये वाली बात मेरे को अभी भी पता चली है, लेकिन सही में पता है इस गांव में अखरोट के बहुत सारे पेड़ है, और जब मैं ऊपर निकलूंगा ना कहीं घूमने, तो मेरे को रास्ते में पता बहुत सारे अखरोट के पेड़ मिलेंगे। तब मैं एक बार ट्राई करके देखूंगा सही से पका है नहीं पका है। अब मैंने पता है अपने 2-3 व्लॉग देखे, फिर पता मैंने ऑब्जर्व किया, तो उसमें पता है मेरे को क्या पता चला कि मेरी वीडियोज ना कुछ ज्यादा शेक हो रही है। जैसे ये वाला मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ ना, तो ये शेक नहीं हो रहा क्योंकि मैं ट्राईपॉड लेके कर रहा। कल वाला ब्लॉग कुछ ज्यादा ही शेक हो रहा था क्योंकि कल पता है मैंने ट्राइपॉड का बिल्कुल भी यूज नहीं करा था। और मैं छत पे जाना चाहता हूँ यार, दिक्कत यह है कि यहाँ पे अभी भी बारिश हो रही है। पहले मैं इसे सीधा कर लेता हूँ, यहाँ से चलते हैं ऊपर। सही में काफी रेड है, यहाँ से चढ़ेंगे लैडर के ऊपर। एक बार ये देखो, और ये बड़ा कूल लग रहा है, चारों तरफ फॉग ही फॉग, ऊपर बादल, वहां से आ रही है धूप, और पहाड़ दिखाई नहीं दे रहे, थोड़े बहुत दिखाई दे रहे बस। और सबसे कमाल की चीज पता है क्या, अभी मेरे चैनल में 90 व्लॉग्स कंप्लीट हो चुके हैं, अब 100 व्लॉग्स हो जाएंगे मेरे अगले महीने की 5 तारीख तक या उससे पहले। सबसे मस्त चीज दिखाऊं, लौकी लटक रही है 2। वाकई में काफी बड़ी है यार, पता है पूरा का पूरा ना पेड़ लौकी से भरा हुआ है। और मेरे को दादी ने बताया कि यहाँ पे ना अभी बहुत सारे कद्दू हैं, और ये जब हटेगा ना पूरा तभी पता चलेगा यहाँ कितने सारे कद्दू हैं। ये वाला पौधा काफी छोटा था, तो इसीलिए इस पे 1-2 कद्दू लगे, उससे ज्यादा लगे नहीं इस पे। वैसे तो पता है यहाँ पे बहुत सारी सब्जी थी, जैसे कद्दू हो गई, तोरी तो नहीं, हमारे यहाँ पता है गुदड़ी नाम की सब्जी होती है, वो तोरी की तरह होती है लेकिन तोरी नहीं होती, और भी काफी सारी सब्जियां थी, जिसमें से मतलब जैसे कि काफी सारी मतलब यहाँ पे लौकियां है ना, तो काफी सारी लौकी पता है यहाँ के बंदर खा गए, नहीं तो सही में पता है यहाँ पे बहुत सारी सब्जी होती। मैंने तुम्हें रूम में देखा कितने सारे कद्दू थे, और उसमें से काफी सारे कद्दू पता है बंदर ऑलरेडी खा चुके हैं। सही में यार, जब पेड़ों में कुछ लगा होता है ना, जैसे फ्रूट्स लगे होते हैं, सब्जियां लगी होती है, उन्हें देखने का मजा ही कुछ और होता है। पता है कल तक मैंने एक भी चीज नोटिस नहीं करी थी इस पेड़ पे, मैंने अभी 2 लौकी देखी, और अभी देखते के साथ ही मेरे को यहाँ पे देखो 2 ओरी 1 ओरी 3, ये दिख रही है ना, 3 है भाई साहब, 2 3 5, और पता है उसके पीछे की साइड भी होगी और यहाँ पे भी होगी काफी सारी। और इसमें करेले उगते हैं, मैंने करेले दिखाए थे वहां सुबह, 2 पड़े हुए थे और यहाँ पे शायद होंगे या निकल गए होंगे। और मैं पता शाम को नीचे जाकर चेक करूंगा कि अखरोट के पेड़ पे अखरोट बचे हैं या नीचे गिरे हुए हैं। हल्की हल्की आवाज सुनाई दे रही होगी तुम्हें, एक बार सुनना, सुनाई दे रही है ना। अब या तो शायद वो पानी की है, या तो हवा की है, या तो बारिश की है। और देखो पानी कितना मस्त लग रहा है इस पे। पता जब बारिश होती है ना, उसके बाद पेड़ों के साथ पता क्या करने में मजा आता है, देखना अभी पटलू, पहले कांटे बहुत होते हैं इसमें देखो, जब पानी गिरता ना बड़ा मस्त लगता है। लेकिन सही में पता बड़ा अमेजिंग लग रहा है, जब देखना ये ऑरेंज हो जाएंगे ना सारे के सारे, मतलब पक जाएंगे पूरे के पूरे, फिर इनका कलर हो जाएगा ऑरेंज, ये इतना कूल लगता है ना, ये मैं तभी बताऊंगा जब ये ऑरेंज हो जाएंगे पूरे के पूरे। मैं अखरोट देख के आता हूँ यार, पीछे ही बड़े उठा ले रे बाबा उठा ले यार। पता है मैं अभी फिसल गया था, मैं यहाँ से गिरा, यहाँ पे पहुंचा, मेरा हाथ टकराया यहाँ पे, फोन बच गया, मैं भी बच गया, और ये चप्पल ना बड़ी धोखेबाज है यार, संभल के जाना पड़ेगा यार। ये कितना बड़ा पत्ता है सही में, यहाँ से आगे चलो पहले। इसपे कुछ है या नहीं है यार, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा मेरे को इस पे यार। अब पता अखरोट मेरे को दिखाई देंगे यहाँ से नीचे, भाई एक भी नहीं दिख रहा, एक भी नहीं है यार इधर, और ना ये तो कहीं पेड़ों पे। ओ भाई ओ हो, ये लग गया मेरे भाई, ये इतनी जहरीली चीज है ना, अगर एक बार गलती से लगा बस बंदा गया, और मेरे यहाँ फिंगर्स पे लग चुका है, अब देखना पूरा का पूरा सूज जाएगा वो। पता मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था, मेरे सामने देखो। ओ भाई साहब कैसे हो, क्या कर रहे हो यहाँ अकेले अकेले? यकीन मानो वाके में पता है इसके नीचे बहुत सारे कद्दू होंगे, ये एक बार पूरा का पूरा हट जाए। अब मैं पूछूंगा इसका करना क्या, रूम पे लेके आना है नहीं आना है? अरे यार केले, कमाल है यार, मेरे को लगा भी नहीं था इस वाले पेड़ पे भी केले उगते हैं, इस पे हो गए हैं, मेरे सामने है देखो, मस्त है यार। मेरे को पता 100% पता था मैं गाँव में आऊंगा ना, मेरे को पता बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी देखने को, वाके में मिल गई। अभी शायद पीछे की साइड हो कुछ, क्योंकि उस साइड तो एक दिख गया मुझे। और अब पता हल्का हल्का असर होने लगा है मेरी उंगली पे, जो लगा था ना वो। अब अखरोट देखने के लिए मेरे को यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा, लेकिन यार दादी ने बोला पता अखरोट तो खराब हो गए। अब वैसे मेरे को कोई शौक तो है नहीं अखरोट खाने का, क्योंकि यार उसमें पंगा बहुत होता है, लेकिन मेरे को यहीं से दिख जाते ना एक अद्धे, शायद दिखा मुझे अभी अभी, नहीं यार है ही नहीं यहाँ पे, खाली हो गया पूरा पेड़। छोड़ो यार निकलो यहाँ से, चाचा आ गए, आवाज सुनाई दे रही है मेरे को।
ये देखो, जब चीजें जरूरत से ज्यादा हो जाती है ना तो बस वो पड़ी रहती है हर जगह पे। वैसे ये तो शायद खराब हो गई होगी या बंदरों ने खाई होगी तभी यहाँ पे पड़ी है, नहीं तो नहीं पड़ी रहती। अभी पता नहीं क्यों बांधा हुआ है यार, शायद अंदर भुट्टे हैं। अब यहाँ से ऊपर चलो और मेरे को जाना पड़ेगा संभल के। चलते हैं ऊपर, बस मैं गिर न जाऊं। अब ये क्यों आवाजें निकाल रहे हैं? ओए क्या हुआ? मैं अपने कपड़े यार नहाने के बाद वहीं पे भूल गया, लेके आना पड़ेगा। वैसे वो भीग चुके हैं लेकिन अच्छी बात है क्योंकि वो धोने थे। अरे गीले तो है ही नहीं, हल्के बहुत हैं, लेकिन अच्छा है। मैं कुछ भूल तो नहीं रहा यहाँ पे? शायद मैं कुछ भूल रहा होऊंगा। नहीं नहीं कुछ भी नहीं भूल रहा। ये क्या है भाई, पत्थर ही है कुछ और है? अबे यार देखियो ढक्कन था। चलते हैं नीचे। अबे ये क्या लटक रहा है? क्या लटक रहा है भाई? अबे ये क्यों लटका रखे प्रियांशु? बीज गिले। देख वहां पे ही पड़े, वो भी बैंगन ही है ना। पता मैं क्या सोच रहा था? मैं ये सोच रहा था कि यार मैं पूरे गांव का पता एक सिनेमैटिक वीडियो बनाऊं, लेकिन दिक्कत पता है इसमें क्या है, इसके लिए तगड़ा कैमरा होना चाहिए और उसके साथ साथ पता है ड्रोन होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एरियल व्यूज जब आते हैं ना वो ज्यादा मस्त दिखाई देते हैं। इसलिए ना तो मैं कोई सिनेमैटिक शॉट अपने व्लॉग्स में डालता हूं और ना ही मैं कोई सिनेमैटिक शॉट का एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूं, क्योंकि यार उसके लिए होना चाहिए एक मस्त वाला कैमरा और उसके साथ साथ होना चाहिए उसमें मस्त वाला ड्रोन। और फाइनली यार एक घंटे के बाद यहाँ पे धूप आई गई। दादा पीछे खेत में वो है कद्दू बड़ा सा, लेके आऊं उसे? यार रहने दो वहीं। ये केले पता है कच्चे हैं, ये बेचारा बाहर भेज गया तो मैं इसको अभी अंदर ले जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही है। और हर बार पता है मैं गिरते गिरते कैसे बचा? क्योंकि मैं धीरे चल रहा था, अगर मैं तेज चलता और गिरता तो मैं बहुत दूर तक जाता। केले कच्चे हैं दादा, क्या बोलें? क्या करना है इनका? आएंगे और क्या करना है? लो फिर ठीक है, कोई नहीं खराब ऐसा तो चलता है। और डॉगी आ जा, फेस टॉवल करो दूर, अनार भी करो इससे दूर, बॉटल भी करो इससे दूर। बाकी तू यहाँ पे बैठा रहा, मैं चला रूम के अंदर एडिटिंग करने। ओ यार ये इन कद्दू के साथ करता क्या होगा रात को, मैं यही सोच रहा हूँ। अरे लेकिन ये पहुंच नहीं पा रहा वहां तक, वैसे तो पहुंच रहा है लेकिन इतना ज्यादा नहीं पहुंच पा रहा।